अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, क्या हाल है? आप खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज हम आपको प्रैक्टिकल एक मशीन की वीडियो जो है वो दिखाने वाले हैं। ये है ग्राइंडर मशीन, इसको कहते हैं स्टील ग्राइंडर मशीन। इसमें बहुत सारे मॉडल्स हैं, छोटे बड़े, 1 किलो से लेके 5 किलो तक, 10 किलो तक आप किसी भी चीज को ग्राइंड जो है इस मशीन से कर सकते हैं। इसमें काली मिर्च, सुरख मिर्च, गरम मसाला, चीनी, इलायची, लौंग, उसके बाद हल्दी और दीगर बहुत सारी ऐसी आइटम्स जो हैं उनको आप ग्राइंड कर सकते हैं, उसका बिल्कुल चूरा बना सकते हैं और अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को वॉच करें और लेकर अपने दोस्तों बाप को भी आगे जरूर फॉरवर्ड करें। बहुत सारे इंफॉर्मेटिव और बिजनेस पॉइंट के हवाले से हम वीडियोस आपकी बातना में लेकर हाजिर होते रहते हैं। हमारी वीडियो को जरूर देखा करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। आज हम आपको जिन चीजों की पिसाई करके दिखा रहे हैं, सबसे पहले हमने ये देखे इधर काली मिर्च जो है उसकी पिसाई की है, उसके बाद ये हमने चावल जो है उसकी पिसाई की है, और अभी हम चने की दाल जो है उसकी पिसाई करके आपको दिखाने लगे। ये देखिए हमारी मशीन चल रही है, मशीन को 30 सेकंड चलाने के बाद आपने 5 सेकंड के लिए वक्फा देना है। जिस तरह आपने देखा होगा जूसर मशीन होती है, हम उसको चलाते हैं 30 सेकंड या 1 मिनट के बाद हम उसको 5 सेकंड या 7 सेकंड का वक्फा देते हैं। उससे ये क्या फायदा होता है कि आप मशीन की लाइफ बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो मुसलसल एक चीज को चलाते रहना, उससे मोटर जो है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। इसमें 300 वाट या 350 वाट 400 वाट तक की मोटर होती है जो सिंगल फेज के ऊपर इजीली ऑपरेट होती है। जर्मनी या जापान की मोटर होती है, पाकिस्तान में ये छोटी मोटरें नहीं बनती, ये मोटरें बाहर से आती हैं। प्योर कॉपर वाइंडिंग की मोटरें होती हैं और मशीन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी क्वालिटी की तैयार करते हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं कि हमने जो पिसाई की है चने की दाल, वो उसकी पिसाई हो चुकी है, अब उसको बर्तन के अंदर डालने लगे। ये देखें कि ये हमने चने की दाल जो है उससे बेसन तैयार किया, ठीक है। आपके सामने आइए, ये हमारे भाई कैमरा करीब करके दिखाएं। ये चने की दाल से बेसन हमने बनाया, ये चावल जो है उसको हमने जो है उसकी पिसाई की है, उसके बाद ये काली मिर्च जो है उसकी पिसाई हमने करके दिखाई है। देखिये ये अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन अंदाज के अंदर देख ले, आप देख सकते हैं कि चूरा कर दिया बिल्कुल ना मशीन ने। ये देख दिखा सकते हैं आप, देख सकते हैं, ये देखें ये बेसन के अंदर भी आप जरा बार भी कोई दाल का कोई जर्रा जो है वो नजर नहीं आएगा, बल्कि बिल्कुल बारीक बेसन जो है वो इस मशीन ने कर दिया। तो इसी तरह की और भी बहुत सारी मशीनरी जो है वो हमारे पास अवेलेबल होती है। इस मशीन में 3 कैटेगरी की मशीनरी होती है। एक तो ये मशीन हमने आपको दिखाई, इसके बाद आप अगर टमाटर, प्याज या कोई भी और ऐसी आइटम जिसको जिसके अंदर पानी डाल के तो उसको आप जो है ग्राइंड करना चाहते हैं, वो उसको कहते हैं ग्रेवी वाली मशीन, वो मशीन भी मिल जाएगी। होटलिंग लाइन के मेरे जो भाई हैं जिनके होटल रेस्टोरेंट्स होते हैं उनको उस मशीन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो वो मशीन भी अवेलेबल होगी। इस मशीन की प्राइस जो है मैं आपको बताने लगा हूँ, ये 13,000 रुपए की मशीन है, ठीक है। उसके बाद इससे ऊपर जाएंगे आप तो जूं जूं ऊपर चलते चले जाएंगे। अब ये 1 किलो पिसाई करती है एक वक्त के अंदर, 2 किलो वाली का अलग रेट है, 3 किलो वाली का अलग रेट है, 4 किलो वाली का अलग रेट है, 5 किलो वाली का अलग रेट है। तो न्यू पंजाब मशीनरी पर आप रब्ता करके ये मशीनरी ये जो ग्राइंडर्स जो हैं हासिल कर सकते हैं। डस्का सिटी के अंदर मेन जीटी रोड गुजरांवाला के ऊपर हमारा शोरूम है। जब आप लारी अड्डा डस्का से मेन जीटी रोड गुजरांवाला के ऊपर आएंगे तो मेहर मार्केट में न्यू पंजाब मशीनरी के नाम से हमारा सेटअप है। तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह वीडियोस आप पहले भी देखते रहते हैं, आप लोग उस्मान गोंदल 27 के नाम से मेरा चैनल है, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर उस्मान गोंदल के नाम से मेरा पेज है। तो इसी तरह और भी
दीगर बहुत सारे आइटम्स हैं, गंदम साफ करने वाले छाने, गंदम की पिसाई वाली चक्कियां जो है, आटा चक्की जिसको कहते हैं, छोटे बड़े मॉडल, सिंगल फेज पे ऑपरेट होने वाले, थ्री फेज पे ऑपरेट होने वाले, वो सब अवेलेबल है हमारे पास। साबुन बनाने वाली मशीन हम अलग क्वालिटी की बनाती है। इसी तरह और भी बहुत सारे आइटम्स, आप जैसे आगे चावल जो है उसका सीजन है तो SM18 चावल पल्सर जिसको बोलते हैं, वो मशीनें भी आपको हमसे अवेलेबल होगी। उसमें 6 जाने वाला आपने चावल पार्सल लेना है या 4 जाने वाला चावल पार्सल लेना है तो वो भी मिलेगा। मुंडी को साफ करने वाली मशीन, उसके बाद चावल साफ करने वाली मशीन, ठीक है, और बहुत सारी आइटम्स, जानवरों से रिलेटेड आइटम्स हमारे पास जो है वो होती है। इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर मशीनरी हम बनाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो जो है ये पसंद आई होगी, और मैं उन तमाम भाइयों से और बहनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारा चैनल देखते हैं वो आगे दीगर दोस्तों आपको भी हमारे चैनल का लिंक जो है वो जरूर फॉरवर्ड किया करें और उनको बताया करें कि न्यू पंजाब मशीनरी से आपको अच्छी और आला क्वालिटी की मशीन मिल सकती है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह।